चलो भाई, आज अपन को तीन पार्ट पढ़ने ही हैं। आज दो पढ़ेंगे, इसके बाद एक और पढ़ेंगे, ठीक। जब तक वो तीसरा पार्ट नहीं होगा, जब तक छुट्टी नहीं होगी, चाहे अब खालिस्तान लगे चाहे डबल खालिस्तान लगे। अब देखो पार्ट दो पढ़ने पर बारहवीं का हिंदी आ रो 6/1/2023, ठीक है। 22 तो नहीं लिखा रहा ना आजकल, 23 ही लिखा रहा ना, तो आदत हैंगओवर अभी 22 का गया, ठीक है। तो पार्ट दो अपन पढ़ रहे हैं, पतंग रचयिता है अलोक धनवा, ठीक है। इसका मैं सारांश बता रहा हूँ, इसमें तीन पैराग्राफ है, ठीक है, 1, 2, 3, और कुछ मैंने एडिशनल पॉइंट यहाँ से दे दिया हूँ आप लोगों को, ठीक है। रिजल्ट क्लियर, आप बहुत अच्छे से समझेंगे भाई, ठीक है। पतंग के बारे में समझेंगे, और पतंग का मौसम कब आता है, जब बसंत पंचमी आती है, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब गर्मी और बरसात के 4 महीने गुजरने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है और चारों तरफ प्रकृति में एक चंचलता सी दिखाई देती है, आसमान खुले हो जाते हैं, आसमान इतने हल्के और मुलायम हो जाते हैं, और ताजी ताजी हवा बहने लगती है, और जितने भी ये पतंगबाज है ना, ये पतंगबाज ये अपनी अपनी रंग बिरंगी पतंगों को लेके आसमान में गोते लगाते हैं, ठीक है। पतंग भाई लपेट लपेट, हाँ आ रही आ रही, ठीक है। तो वही पतंग के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, बहुत ही अच्छी थी, देखो बहुत अच्छी स्टोरी है। सबसे पहला अपन देखो, इसमें पहला सारांश मैं आपको बता देता हूँ, पहला प्रसंग क्या है, पहली पंक्ति लिख दिया हूँ मैंने आपको, ठीक है। पंक्ति नहीं लिखा हूँ, आपको बुक में मिलेगी। पहला मैंने यहाँ प्रसंग दिया हूँ, यहाँ पे प्रसंग दिया हूँ, यहाँ पर प्रसंग दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रसंग है, पहली अपन चर्चा करेंगे प्रकृति के बारे में। जैसे ही शरद ऋतु लगती है, प्रकृति में नया परिवर्तन दिखाई देता है, इज दैट क्लियर। अब जैसे गर्मी में कोई पतंग उड़ाएगा नहीं, ठीक है, बरसात में कोई पतंग उड़ाएगा नहीं, ठीक है। अगर उनने बरसात में पतंग उड़ा भी दिया तो समझ जाना वो बैल है, ठीक है। तो अब इसको समझो अच्छे से, पतंग के बारे में पढ़ रहे हैं और हर किसी को ये पाठ मालूम है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक प्रसंग मिल रहा है, प्रकृति और मौसम में होने वाले परिवर्तन। तो प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, मौसम में जो परिवर्तन होता है, तो प्रकृति और मौसम में होने वाले परिवर्तन एवं रोमांचित पतंग उड़ाने वाले बच्चों की उमंग को यहाँ पर लेखक ने दर्शाया है, रचयिताकार ने दर्शाया है। अब लेखककार क्या बोल रहा है, पहले पैराग्राफ में देखो लेखककार क्या कहता है कि मूसलाधार बारिश का महीना है, चारों तरफ जब मूसलाधार बारिश होती है, गर्मी बीतते हैं, गर्मी के बाद बारिश चालू होती है, और मूसलाधार बारिश होने के बाद आगमन होता है शरद ऋतु का। शरद ऋतु यानी समझते हो तुम लोग, शरद यानी ठंडी जो अभी चल रही है, अभी कई लोग पतंग उड़ाएंगे ना, अभी देखना आप, ठीक, इज दैट क्लियर। तो आगे देखिए लेखक क्या कहता है, मूसलाधार बारिश का महीना है, भादो बीत चुका है, शरद ऋतु का आगमन हो गया है, प्रकृति और मौसम में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। देखो शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ, बहुत ही अच्छे से समझिए। सबसे पहले गर्मी पड़ी, गर्मी के बाद बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई, मूसलाधार बारिश का महीना था, भादो बीत चुका था, भादो एक महीना होता है हिंदी का, समझ गया कि नहीं। तो भादो का महीना बीत चुका और उसके बाद आगमन हो चुका शरद ऋतु का। जैसे ही शरद ऋतु का आगमन हुआ, तो प्रकृति के मौसम में परिवर्तन दिखाई दिया, और इस परिवर्तन में जो बच्चे हैं उनके लिए पतंग का एक त्योहार आ गया, और सारे बच्चे सारे पतंगबाज अपनी पतंग को उड़ाने के लिए तत्पर तैयार हो गए। बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण प्रकृति ने दे दिया है, क्योंकि चारों तरफ प्रकृति खिल उठी है और आसमान मुलायम हो चुका है, और धीमी धीमी हवा वहां बहने लगी है, ठीक है। तो बच्चों को पतंग उड़ाने का निमंत्रण किसने दी है, प्रकृति ने दी है। क्यों, क्योंकि प्रकृति बारिश से मुक्त हो गई है, बारिश बंद हो गई है, और उसमें चंचलता आ गई है, धीरे धीरे हवा उड़ रही है, मौसम मुलायम हो गया है, और पतली से पतली चीज, इस दुनिया की सबसे बड़ी पतली चीज होती है कागज, और कागज की पतंग। अब वो उस मुलायम आसमान में क्या होगी, रंग बिरंगे, ऐसा लग रहा है जैसे तितलियां उड़ रही हैं, अनेक प्रकार के रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही हैं, उस प्रकार की अनेक रंगों की पतंगे आसमान में उड़ती हुई दिखाई देंगी। ऐसा निमंत्रण प्रकृति डाल रही है बच्चों को कि बच्चों आओ, मैं आतुर हूं, और प्रकृति में और आसमान में पतंग को क्या करूं, उड़ाओ।
ऐसे बच्चों को वो क्या दे रही है, निमंत्रण दे रही है। कौन पढ़ने मत पढ़ने बोलिए, कौन? प्रकृति। क्यों? क्योंकि प्रकृति, प्रकृति और उसके मौसम में क्या आया है? परिवर्तन। और पतंग उड़ाने का समय आ गया। किसका समय आ गया? पतंग उड़ाने। तो शरद ऋतु क्या है? शरद ऋतु को एक साइकिल की घंटी माना गया। क्या माना गया? एक साइकिल की घंटी। जिस प्रकार एक साइकिल की घंटी बजाई जाती है और लोगों को उससे संकेत मिलता है और उसकी आवाज को लोग सुनते हैं, वैसे ही ये जो प्रकृति है, ये जो शरद ऋतु है, यह घंटी का काम कर रही है और उस घंटी की आवाज लोगों को, लड़कों को, बच्चों को सुनाई दे रही है और वह बच्चे सचेत हो गए हैं अपनी अपनी इसको लेके। अब भाई खींच खींच, ढील दे, थोड़ी ढील दे, ढील दे, मांग गया पतंग उड़ाते उड़ाते नीचे गिर गए। राम राम सत्य है, ठीक है। तो आप इधर देखो, तो शरद ऋतु साइकिल की घंटी का काम काम कर रही है। इज दैट क्लियर? यानी इंगित कर रही है लोगों को कि भाई शरद ऋतु मैं आ गई हूँ। शरद ऋतु कह रही है मैं आ गई हूँ, मैं तुम्हें निमंत्रण दे रही हूँ, आ जाओ आ जाओ, अपनी अपनी पतंग लेके आ जाओ, ठीक है। पतंगबाजों के लिए अनुकूल मौसम आ गया है और पतंग उड़ाने का समय आ गया है, क्योंकि प्रकृति में एक ऐसी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि शरद ऋतु आ गई है। आकाश मुलायम हो गया है और इतना मुलायम हो गया है कि इस दुनिया की सबसे हल्की चीज कागज, कागज की पतंग, वो पतंग भी इतनी मुलायम होती है और इतनी पतली होती है और इतनी हल्की होती है कि अब वो उस मुलायम से आकाश में क्या होगी? उड़े, ठीक है। तो आकाश मुलायम हो गया है, मध्यम मध्यम हवा आकाश में बह रही है, ताकि आगे फिर लेखक लिखता है कि आकाश मुलायम हो गया है ताकि बच्चे पतंग उड़ा सकें। इसीलिए बादल पूरे छट गए हैं, आकाश मुलायम हो गया है, क्योंकि वो हल्की सी वस्तु को वो ऊपर धागे से उड़ाएंगे और आकाश उसमें मजे लेते चला जाएगा और बच्चे भी आनंद विभोर हो जाएंगे, ताकि बच्चे पतंग उड़ा सके, ऐसा इंडिकेशन कर रही है कौन? शरद ऋतु। पतंग संसार की सबसे हल्की वस्तु है, सही बात है। इस दुनिया में अगर सबसे हल्की वस्तु है तो वो कौन है? पतंग। पतंग से हल्की कोई वस्तु नहीं है। इज दैट क्लियर? तो पतंग संसार की सबसे हल्की वस्तु है और वही हल्की वस्तु मुलायम आकाश में क्या होगी? उड़ रही है। पतंग रंग बिरंगी होती है, तितलियों के जैसी होती है। जिस प्रकार अनेक प्रकार की तितलियां होती हैं, अनेक प्रकार के रंगों की तितलियां होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं, पीली नीली काली हरी गुलाबी होती है, ठीक उसी प्रकार पतंग भी तितली के जैसे होती है। और तितली भी बहुत ही हल्की होती है, जो आसमान में बड़ी आसानी से उड़ती है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जाती है, फूलों में बैठती है, डगालों में बैठती है, ठीक उसी प्रकार पतंग भी बहुत ही हल्की होती है जो आसमान में उड़ती है, अतः उसे तितली की तरह रंग बिरंगा माना गया है। पतंग को तितली ही की तरह रंग बिरंगा क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है क्योंकि तितली अनेक रंग की होती है और बड़ी सुंदर दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार पतंग भी अनेक रंग की होती है और बड़ी सुंदर दिखाई देती है, ठीक है। अर्थात पतंग रंग बिरंगी होती है। पतंग में रंगों का अद्भुत आकर्षक आकर्षण होता है या आकर्षक होता है। पतंग इतनी आकर्षक होती है, हरी गुलाबी नीली पीली काली चितकबरी ऐसी होती है, इतने रंगों की होती है कि बच्चों का मन उस पे आकर्षित हो जाता है और बच्चे नाना कलर के, नाना भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों की पतंग को लेकर आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पतंग में जो रंग होता है वह आकर्षक होता है, जो बच्चों को लुभा देता है और अद्भुत होता है, अद्भुत आकर्षक होता है, उसमें अद्भुत आकर्षण होता है और बच्चे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। शरद ऋतु के आगमन से प्रकृति ने ऐसा वातावरण तैयार किया ताकि हल्की से हल्की वस्तु भी उसमें उड़ जाए। लेखककार कविताकार आगे ये कहते हैं कि जैसे ही शरद ऋतु आई तो प्रकृति ने एक ऐसा वातावरण और एक ऐसा एटमॉस्फेयर और एक ऐसा एनवायरनमेंट बना लिया कि हल्की से हल्की चीज भी उस आसमान में अब उड़ सकती है, प्रकृति में उड़ सकती है। ऐसा वातावरण शरद ऋतु के आगमन में प्रकृति ने बना लिया
है। ऐसा लगता है प्रकृति उन सब बच्चों को खुशियां मस्ती देने के लिए आकुल और व्याकुल हो रही है। प्रकृति खुद कह रही है कि आओ आओ, मैं तुम्हें मस्ती दूंगी, मैं तुम्हें मजा दूंगी, मैं तुम्हें आनंद दूंगी, मैं तुम्हें रस प्रदान करूंगी। मानो ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति चीख चीख कर चिल्ला रही है और बच्चों को निमंत्रण दे रही है कि तुम अपने क्या लेकर आओ, पतंग लेकर आओ। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर प्रकृति में जो मौसम में परिवर्तन हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है और बच्चों की रोमांचित उमंग को बताया जा रहा है कि वो पतंग लाएंगे और उड़ाएंगे। अगले पैराग्राफ में बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं और खतरों से बचने के साहस को बताया गया है कि जब पतंग उड़ाते हैं तो सारी नजर हमारी आसमान पे होती है, नीचे कहाँ किसकी छत है ये भी नहीं मालूम, कहाँ पे गिरने वाले हैं ये भी नहीं मालूम, पर इंद्रियों में और शरीर के अंगों में इतना समन्वय होता है कि बच्चा गिड़गिड़ाते हुए संभल जाता है और गिरता नहीं है। ठीक है, तो उन चेष्टाओं को, बाल चेष्टाओं के बारे में अब यहाँ पर बताया जा रहा है और खतरों से बचने के कैसे बचते हैं, उनका साहस, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत बच्चों की यहाँ पर बताई जा रही है। तो आगे लेखक लिखते हैं कि बच्चे अत्यधिक रोमांचित रंग बिरंगी पतंगों के साथ आकाश में उड़ रहे हैं। जिस प्रकार आकाश में रंग बिरंगी पतंग उड़ रही है तो आकाश में पतंग ही नहीं उड़ रही है बल्कि वो साक्षात बच्चे उड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चा पतंग उड़ाता है तो उसका पूरा ध्यान कहाँ रहता है? पतंग पर रहता है। वो ये भूल जाता है कि मैं जमीन में खड़ा हूं, या वो ये भूल जाता है कि मैं छत में खड़ा हूं। ठीक है, और उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो इस छत से उस छत कूदता है, उस छत से उस छत कूदता है। और जब पतंग अगर किसी की कट जाती है तो पतंग लूटने का तरीका देखो, उसको कहां किसकी छेड़ी मालूम नहीं, और जब दौड़ता है बस कहीं कुआं आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ नहीं, पतंग मिलना चाहिए, काका बहुत बड़ा ढग्गा है ये, ठीक है, ये मेरे को मिलना चाहिए, बस उनके अंदर ये जुनून होता है। तो उनकी ताकत को, उनके साहस को यहाँ पर बताया गया है। तो कविताकार और रचनाकार कहते हैं कि बच्चे अत्यधिक रोमांचित होते हैं शरद ऋतु को लेकर, क्योंकि उनके पास रंग बिरंगी पतंगे होती हैं और वो आकाश में उस पतंग को उड़ाते हैं। एक प्रकार से आकाश में पतंग नहीं उड़ती है बल्कि बच्चे उड़ते हैं या उड़ रहे होते हैं। काल्पनिक तौर पे, कौन से तौर पे? काल्पनिक तौर पे। हकीकत में नहीं उड़ेंगे उधर, ये उधर कल्लू का लौंडा दिख रहा है, हकीकत नहीं होगा वो, समझ रहे कि नहीं? अच्छा, वे छतों मुंडेरों के खतरनाक किनारों से नीचे गिरते हैं। कैसे मुंडेर उंडेर रहती ना, छत की मुंडेर हो गई या नाली वाली, उनको ये भी होश नहीं रहता कि हम कहाँ खड़े हैं, पर वो गिरने वाले रहते हैं, परंतु संभल जाते हैं, ये उनका साहस है, परंतु वो संभल जाते हैं और नीचे नहीं गिर, वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग मारते हैं, कूदते हैं, परंतु फिर भी वह गिरते नहीं है और संभल जाते हैं। ये एक आकर्षण और एक जोश है, क्या? पतंग लूटने का और पतंग उड़ाने का। इज दैट क्लियर? दाएं बाएं होकर शरीर को संभाल ही लेते हैं और बच जाते, वो ऐसे ऐसे होंगे, गिरेंगे ऐसे ऐसे होंगे, पर वो संभल ही जाते हैं और गिरते नहीं है। तो कविताकार कहना चाह रहा है उनके साहस के बारे में कि वो गिरते हुए भी संभल जाते हैं, दाएं बाएं होते हैं और अपने शरीर को संभाल लेते हैं, ये उनका साहस होता है। बच्चों में पतंग उड़ाने का एक उत्साह होता है, एक जोश होता है और वो निडर होते हैं और एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हैं। और बच्चों में इतना उत्साह होता है, इतना जोश होता है कि वो सूरज की नजरों से नजरें मिला लेते हैं और पतंग उड़ाते हैं और खुले आसमान में गोते लगाते हैं। कौन? बच्चे। ठीक है, तो सूरज की आंखों में आंखें डालकर फिर से पतंग को वो क्या करते हैं? उड़ाते हैं। अब आंखों से आंखें क्यों? क्योंकि पतंग इतनी ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती, फिर भी वो ऊपर ही देखते, नीचे नहीं देखते, तो इसका मतलब वो सूरज की आंखों से क्या मिलाते हैं? आंखें मिलाते हैं और अपने आप को कहां महसूस करते हैं? ऊपर, कि मैं छत में उड़ रहा हूँ, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ, वो अपने आप को महसूस करते हैं। कौन? बच्चे। ठीक है, वे पृथ्वी के कोने कोने को छानने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। वो इतने भागते हैं, इतने दौड़ते हैं, ये छत से वो छत, वो घर से वो घर, इसका घर उसका घर, बिल्कुल पूरे छान मारते हैं। उनका बस चले तो पूरी पृथ्वी को वो क्या करें, 2 घंटे में नाप के आ जाए, पूरी पृथ्वी को नाप लें कि पृथ्वी है कितनी दूर। ठीक है, इतना उत्साह और अदम जोश बच्चों पर होता है पतंग को लेकर।
पतंग को लेकर। तो वे पृथ्वी के कोने कोने को छानने के लिए क्या रहते हैं? तत्पर तैयार रहते हैं। अर्थात उनका बस चले तो वो कुछ ही समय में पूरी पृथ्वी को नाप सकते हैं अपने पैरों से, अपने पैरों से। ऐसा जोश और उत्साह उनमें होता है पतंग को लेकर। ठीक है बेटा, अगला चलते हैं शरद ऋतु का जीवन में मायने। अब बहुत अच्छे से समझो, शरद ऋतु का जीवन में क्या मायने है? बहुत मायने है। ठीक है, शरद ऋतु आनंद प्रदान करती है, प्रकृति में हलचल पैदा होती है, प्रकृति में बेशुमार खूबसूरती पैदा होती है और एक नया रुख उसमें पैदा होता है। गर्मी से बरसात और बरसात की कीचड़ काचड़ से फिर वो एक सुंदरता की ओर, हरियाली की ओर वो पृथ्वी क्या होती है, वो प्रकृति बदलती है, मौसम में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार हमारे जीवन में क्या मायने हैं शरद ऋतु के? भाई शरद ऋतु के और हमारे जीवन के आपस में घनिष्ठ संबंध है, बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। अब इधर देखो, गर्मी और बरसात के चार महीने के बाद बसंत, चार महीने के बाद मन भावन शरद ऋतु का क्या होता है? आगमन होता है। और यह शरद ऋतु हमारे जीवन में खेलने कूदने खाने पीने इत्यादि को हमारे दैनिक जीवन में लाती है। और हम शरद ऋतु में जब सबसे ज्यादा खेलते हैं कूदते हैं खाते हैं और पीते हैं। ये माना जाता है कि हम भारतीय जो लोग हैं शरद ऋतु के आगमन में ही हम लोग ज्यादा खाने पीने लगते हैं। और सुनो तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है, पचाने की शक्ति, वो शरद ऋतु में अच्छी हो जाती है। तो हम अच्छे से अच्छा पकवान खाते, अच्छे से अच्छी चीज खाते, खेलते हैं कूदते हैं दौड़ते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? शरद ऋतु आती है स्पोर्ट्स चालू हो जाता है, ग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा है, ठीक है, कबड्डी चल रही, विजडम स्कूल में अभी कुछ हुआ था 15 दिन पहले हुआ था, हाँ क्रिकेट हो रहा है वहां, वॉलीबॉल हो रही थी, शरद ऋतु के आगमन पर ही हो रहा था ये सब। समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो खेलने कूदने खाने पीने में हमारा मन लग जाता है और शरद ऋतु की धूप बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अंदर रहो तो ऐसी इच्छा होती है कब धूप में जा खड़े हो जाऊं, और जब धूप बहुत ज्यादा चिल्लम चोट मचाती है तो ऐसा लगता है कब बाहर अंदर आ जाऊं। ठीक है, मतलब ऐसा लगता उसके पास जाऊं भी और ज्यादा देर तक खड़े रहते तो ऐसी इच्छा होती है और हट जाता हूं। ठीक है, तो समय की धूप भी हमको क्या लगती है? बहुत ही अच्छी लगती है। और व्यक्ति के पाचन शक्ति बहुत ज्यादा बेहतर हो जाती है और अंड संड चीज अनाप शनाप चीज खाके वो अच्छे से पचा सकता है। इज दैट क्लियर? मतलब खाने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है और पाचन तंत्र भी उसका अच्छा बेहतर हो जाता है। कौन सी ऋतु में? अभी आप लोग को मालूम होगा। अतः हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इज दैट क्लियर? भाई इसका एक क्वेश्चन आता है, शरद ऋतु का हमारे जीवन में क्या मायने हैं? ये इस बार आ सकता है परीक्षा में। तो शरद ऋतु का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। शरद ऋतु और मानव जीवन का घनिष्ठ संबंध आपस में होता है। शरद ऋतु जो होती है वह वर्षा का ग्रीष्मकालीन और वर्षा कालीन के चार महीने के बाद शुरू होने वाली ये ऋतु रहती है। ये ऋतु बहुत ही आनंदमयी होती है। इस ऋतु में प्रकृति में अनेक प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं। आकाश मुलायम हो जाता है, आकाश हल्का हो जाता है और ये समय होता है पतंगों के त्योहारों का। यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे प्रोत्साहित होते हैं और अपनी उड़ान पतंगों के माध्यम से वह आसमान में भरते हैं। इस समय यह माना भी जाता है कि यह खाने पीने, ठीक है, खेलने कूदने का एक त्यौहार होता है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों का खेलने कूदने खाने पीने में मन लगता है। और उस शरद ऋतु की जो धूप होती है वो लोगों को बहुत पसंद आती है, वो बहुत उन्हें अच्छी लगती है। और यह भी माना जाता है कि शरद ऋतु में व्यक्ति के पाचन तंत्र बेहतर हो जाता। अतः हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु का व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। समझ गए आप लोग? ये क्वेश्चन आ सकता है भाई लोग, ठीक है। अब अगर चौथा चल रहा है, रोमांचित शरीर का संगीत बताया गया है, ठीक है, जीवन में इसको बताया गया है और क्या बोला गया है, दो बार सुनो, रोमांचित शरीर का संगीत है ये। कौन? शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या है? एक गीत है। और कैसा गीत है? रोमांचित। और रोमांचित का मतलब क्या होता है? रोमांचित का मतलब
जिसमें आपको रोमांच आए, जिसमें आपको आनंद की प्राप्ति होए, जिसमें आप भाव विभोर हो जाओ, ठीक है, और खतरों के खिलाड़ी हो जाओ, ठीक है। तो रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से अद्भुत संबंध रखता है। जो जीवन की लय, अबे जीवन की लय क्या, खाना पीना उठना सोना जागना, अरे यही रे, खेलना और कूदना। तो हम शरद ऋतु में ही ज्यादा खेलते कूदते हैं, इंजॉय करते हैं, पतंग उड़ाते हैं। गर्मी में पतंग क्यों नहीं उड़ाते हैं, क्योंकि शरद ऋतु में उड़ाते हैं, इसलिए गर्मी में नहीं उड़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि रोमांचित शरीर का संगीत, तो जीवन की लय से इसका अद्भुत संबंध। एक क्वेश्चन आता है, रोमांचित शरीर का संगीत जीवन की लय से कैसा संबंध रखता है, तो अद्भुत संबंध रखता है। कैसा संबंध रखता है, अद्भुत। मानव शरीर पूर्ण मनोयोग में लग जाता है जैसे ही शरद ऋतु आती है, जैसे ही कोई संगीत है, रोमांचित शरीर का संगीत। बहुत अच्छे समझना, अगर कोई संगीत हमको भाने लगता है, कोई कविता हमको अच्छी लगने लगती है, तो हमारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाती हैं और हमारे अंदर मनोयोग हो जाता है। मनोयोग का मतलब होता है मन का योग हो जाना, और मन किसी पर्टिकुलर एक काम में काम करने लगता है, एक कार्य पर आकर बैठ जाता है और वो काम सिद्ध हो जाता है, ठीक, और हमें जीवन में सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, देखो जा, जीवन की लय से अद्भुत संबंध रोमांचित शरीर के संगीत का होता है, मानव शरीर पूर्ण मनोयोग में लग जाता है और कार्य सिद्धि जीवन में प्राप्त हो जाती है। जब व्यक्ति का मन किसी एक कार्य में लग जाता है, तो उस कार्य में उसे कार्य सिद्धि अर्थात उसे सफलता प्राप्त हो जाती है। वह सब रोमांचित शरीर का संगीत है। अगर कोई गीत बहुत रोमांचित है, तो हम बिल्कुल उस गीत को गाने लगेंगे और वो गीत हमें पूरा आने लगेगा, क्योंकि उसमें हमें रोमांच मिलेगा, रोमांच मिलेगा, ठीक है, आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा, आनंद। अगर मन किसी, हमारे मानव शरीर अर्थात व्यक्ति का मन किसी वस्तु पर आकर लग गया है या किसी कार पर आकर लग गया है, तो वह कार सिद्ध हो ही जाता है। उसकी वजह है रोमांचित शरीर का संगीत, क्योंकि वो संगीत हमें इतना अच्छा लगता है कि हम उसकी अनुकूल स्थिति में आके वो काम को कर लेते हैं। क्योंकि शरद ऋतु में ही हम पतंग क्यों उड़ाते हैं, क्योंकि मौसम अनुकूल होता है, और मौसम अनुकूल होता है तो हम उसके अनुसार बदल जाते हैं और पतंग उड़ाने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पर बताया गया है कि कार्य सिद्ध, आपके जीवन में कार्य सिद्ध तब होंगे जब आपको मनोयोग की अवस्था प्राप्त होगी। मनोयोग का मतलब है उसी कार्य पर आपका मन लगना चाहिए, तो ही आपको जीवन में आपके कार्य सिद्ध होंगे, अन्यथा नहीं। आगे देखो क्या लेखक ने क्या कहा, रचनाकार ने, अद्भुत रोमांच पैदा हो जाता है अगर आपके जीवन में कार्य सिद्धि हो जाए और आपके जीवन में एक संगीत पैदा हो जाए। एक क्या पैदा हो जाए, संगीत पैदा हो जाए, अकल्पनीय संगीत पैदा, अगर आपके जीवन में अकल्पनीय संगीत पैदा हो जाता है यदि आप किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। क्या प्राप्त कर लेते हैं, सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब मनुष्य का पूर्ण तरीके से मनोयोग हो जाता है, मनोयोग हो जाता है, यानी किसी काम को करने की वो ठान लेता है, तो उसमें उसे सिद्धि जरूर प्राप्त होती है, वो उसमें उस कार्य में उसे सफलता जरूर प्राप्त होती है। बच्चे पतंग उड़ाते हैं, यही खतरों के खिलाड़ी कहते हैं, एक छत से दूसरी छत और पूरी पृथ्वी को अपने दो पैरों से नाप लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मनोयोग हो जाता है और उनका मनोयोग सिर्फ पतंग उड़ाने में रहता है, और वो बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, पतंग को उड़ाते हैं। उनको ये भी नहीं मालूम रहता कि मैं किसकी छत में खड़ा हूँ, मैं छत से गिरने वाला हूँ और क्या होने वाला है, उसको कुछ नहीं मालूम रहता। मनोयोग के चलते वह सफल हो जाता है और पतंग उड़ा लेता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अकल्पनीय संगीत पैदा हो जाता है, जिससे मनोयोग से इस संगीत की लय से शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाता है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर भागने लगता है। पतंग उड़ाना है भाई, बस रहा नहीं जा रहा भाई, पतंग उड़ाना है, मंजा बनाना है, बिल्कुल ये कांच पीस रहा है और ये बिल्कुल धागा बन रहा है और पतंग काटना भाई की, आज ये उड़ा रहा है पतंग, तो वो भी एक क्या होता है, जुनून होता है। जैसे हमारा मनोयोग आज मोबाइल पे लग गया है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है। अगर हम आई गो टू टॉयलेट तो ले जाएंगे मोबाइल एंड चलाएंगे मोबाइल, ठीक है, क्योंकि मनोयोग हो गया हमारा, क्या हो गया, मन योग हो गया, हमारा मन वहीं पे हो गया है, तो हमें वही अच्छा लगता है। सबसे पहले सुबह उठते हैं तो आंख भलाई भी खुलेगी पर तकिया के बाद
ठीक है। तो मन योग हो गया, क्या हो गया? मन योग। तो वही बताया गया है कि आपके शरीर का रोम रोम पुलकित हो जाएगा और रोम रोम पुलकित होकर तुमको वो ये कहेगा कि जाओ और लक्ष्य की प्राप्ति करो और तुम्हारे शरीर के पूरी पांचों इंद्रियां तुम्हें उसके तरफ भेज देंगी कि जाओ और उस लक्ष्य की प्राप्ति करो, क्योंकि मन योग हो गया है। क्या हो गया है? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब मन योग हो गया है तो तुम्हें लक्ष्य प्राप्ति होगी और अवश्य ही होगी, ठीक है। तो वही कह रहा है कवि, कह रहा है, क्या कह रहा है कवि? जब मन योग की स्थिति होती है तो हमारे अंदर अकल्पनीय संगीत पैदा होता है शरीर में, और शरीर की जितनी भी इंद्रियां होती हैं वो कंट्रोल में रहती हैं, और कंट्रोल में रहकर हमारे शरीर का रोम रोम, शरीर का अंग अंग पुलकित हो जाता है और लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। ऐसा कौन कह रहा है? कविता का, मैं नहीं कह रहा। और सुनो, तो इतना काम करने के बाद भी कोई थकान नहीं होगी आपको, और आपका रोम रोम बोलेगा बोलेगा कि लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाओ, लक्ष्य प्राप्ति की ओर जाओ, और आपके शरीर में बिल्कुल थकान नाम की, थकावट नाम की एक भी नाम नहीं रहेगा थकावट का। आप थकेंगे नहीं और आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो थकान का अनुभव आप नहीं करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, यदि आपके शरीर में पूर्ण रूप से मनोयोग होगा तभी, और तभी वो स्थिति कहलाएगी रोमांचित शरीर का संगीत, रोमांचित शरीर का संगीत, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? ठीक है, अगला पांचवा टॉपिक है कपास शब्द का प्रयोग बच्चों के लिए क्यों किया गया है। कपास बहुत ही हल्की चीज होती है, बहुत ज्यादा हल्की होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी बहुत हल्के और सॉफ्ट होते हैं। वह कल्पना में जीते हैं और कल्पना में संसार के आसमान में जाके वो गोते लगाते हैं, पतंग उड़ती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि हम उड़ रहे हैं, और वो इतने काल्पनिक होते हैं कि उनका बस चले तो वो अपने दोनों पैरों से पृथ्वी के कोने कोने को क्या कर लें, नाप लें। बहुत आशाएं होती है बच्चों में। तो कपास कहकर क्यों पुकारा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपास, जिस प्रकार एक कपास मुलायम होती है, हल्की होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी हल्के और मुलायम होते हैं। उनकी कल्पना बता रहे हैं अपन। अब ऐसा नहीं कि 50 किलो का लौंडा है तो वो हल्का हो गया, वो नहीं, उनकी कल्पना, बच्चों की कल्पना। अपन तो अब तुम तो 12वीं पहुंच गए, तुम लोग तो बुजुर्ग हो गए अब, ठीक है। बच्चे की बात कर रहे हैं अपन, बच्चे हम जब बच्चे थे छोटी छोटी हरकत करते थे, ठीक है ना, समझ रहे कि नहीं, लॉलीपॉप खाते थे, सुसु कर लेते थे, पता ही नहीं चलती थी, मम्मी पैंट बदलती थी, उन बच्चों की बात हो रही। यहाँ देखो, जिस प्रकार कपास हल्की होती है और कोमल होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी कोमल होते हैं, इधर उधर और कोमल और मुलायम। जिस प्रकार कपास को हवा में उड़ा दो तो वो इधर उधर क्या हो जाती है, उड़ जाती है, ठीक उस प्रकार बच्चे कभी इधर कभी उधर होते रहते हैं। जिस प्रकार कपास कोमल और मुलायम होती है, ठीक उसी प्रकार बच्चे भी कोमल और मुलायम होते हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं इनके पैरों के नीचे आने के लिए आतुर हो रही है, और पृथ्वी कह रही है कि मैं तुम्हारे पैरों के नीचे आऊंगी और तुम मेरे को कुचलो, तुम मुझे क्या करो, कुछ लोग ऐसा पृथ्वी कह रही है, पृथ्वी डिमांड कर रही है, क्योंकि बच्चे इतने कोमल। वाह क्या बात कह दिया कवि ने यार, पृथ्वी मतलब कि बच्चे इतने कोमल हैं कि पृथ्वी खुद मर रही है उनके नीचे आने के लिए, ठीक है। तो कविताकार क्या कहते हैं कि पृथ्वी को ऐसा लग रहा है, ऐसा लगता है कि पृथ्वी स्वयं पैरों के नीचे, किनके पैरों के नीचे, बच्चे इतने कोमल और मुलायम हैं कि पृथ्वी स्वयं कह रही है कि मैं बच्चों के नीचे आने के लिए आतुर हूं, मतलब मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे, मैं बहुत ज्यादा क्या हूं, उनके पैरों के नीचे आने के लिए व्याकुल हूं, समझ गए, आतुर हूं, व्याकुल हूं, रेडी हूं, तैयार, ऐसा कह रहा है। यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा बन जाएगा भाई साहब, बताइए किसी को डाउट, पक्का तुमसे बने इतने बाबू, वॉकअप लिखा है यार तेरी बुक में, अभी उठ रहे हो कि तुम, बताओ बनेगा कि नहीं भाई लोग, पक्का डन, देखो करना ही पड़ेगा आपको, और नहीं भी करोगे तुम कौन से हमारे रिश्तेदार लगते हो, और तुम्हारा और हमारा नाता ही क्या है, बेवफाई का नाता है, एक बात याद रखना,
ठीक है, हम भी बेवफा हैं और तुम भी बेवफा हो, सुन रहे हो कि नहीं? यस सर। क्या नाम, क्यों कृतिका? अब अगला चैप्टर देखो, कविता के बहाने। अब अगला थर्ड चैप्टर देखते हैं अपन, कविता के बहाने। बात सीधी थी पर लिखने वाले हैं हमारे कुंवर नारायण मिश्र, ठीक है, कुंवर नारायण जी, इन्होंने लिखा है कविता के बहाने। पहले समझा रहे हैं, पहली पंक्ति आपकी कविता डेडेस क्या जाने, ठीक है, इनको एक एक बार आप घर जाके पढ़ लेना, पूरा प्रसंग वर्सक सब निकल जाएगा, ठीक है। देखो इसका प्रसंग ये लिखा है, इसका ये लिखा है, इसका ये सब तो लिखा है ऊपर, इज दैट क्लियर? कल मैंने आपको लिखना सिखा दिया था, अच्छे से लिखेंगे आप घर में। चलो अपन पढ़ते हैं कविता की बात कही। पहले कविता आपको मालूम कौन है? कविता कोमल हृदय की चीज है। कविता कोमल हृदय की चीज है। पानी में दिखने वाली छवि हूं मैं, और बुरा ना मानो कवि हूं मैं, ठीक है। तो कविता कोमल हृदय की चीज है। अगर तुम्हारे पास कोमल हृदय नहीं है, तुम कविता को नहीं समझ सकते। कविता की खूबसूरती का बखान तुम जैसे बेवले लोग क्या करेंगे, ठीक है। अपन जैसे दलिद्दर आदमी क्या करेंगे? कविता बहुत ही कोमल है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत गोरी है, बहुत चिट्टी है, ठीक है, टमाटर जैसे उसके गाल है, ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ रहे हैं आप, कविता है जीवन में, ठीक है, आपके जीवन में कविता और हमारे जीवन में कविता है, इज दैट। कविता कोमल से भी कैसी है? कोमल से भी कोमल है, है? फूल से भी कोमल है, फूल से भी कोमल। देखो लेखक ने पूरी कविता के बारे में पूरे चैप्टर में मावहन किया है, ठीक है। अब देखना कविता के बारे, अब चलते हैं पहले अपन, अब इसमें क्या पहले पहली पंक्तियों को क्या क्या बता रहा है सुनना, सीधी बात करूंगा, नो बकवास करूंगा, ठीक है। तो सुनना कविताकार क्या कह रहा है। कविताकार हमारे कुंवर नारायण जी हैं, ठीक है, और कविता यहाँ से इस बार क्वेश्चन आएंगे 100%, ठीक है, अच्छे समझना। और यहाँ से वो भी आएगा, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ये वाले वो क्या बोलते हैं इनको, क्या वाला भी आएगा। हाँ देखो, कविताकार अपनी इस रचना में लिखते हुए ये कहते हैं कि कविता असीम संभावनाओं को लिए हुए है, असीम संभावनाओं को। कविता में इतनी संभावनाएं हैं जिसका पता तुम लोग नहीं लगा सकते। कविता कहाँ से निकलती है, किसके घर जाती है, ये भी तुम नहीं पता लगा सकते हो, क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो असीमित है। वो कहाँ को आती है, कहाँ को जाती हो, आई डोंट नो, ठीक है। अपन उसकी कल्पना क्षेत्र का पता नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, वो असीमित है। पल में कहां चल जाए और पल में कहां ना जाए, वो तो वही जानती है, इज दैट क्लियर? ओके, तो कविताकार क्या कहते हैं, कविताकार अपनी कविता के बहाने में कविता की असीम संभावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता की कल्पना की उड़ान जो है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। अरे एक चिड़िया खुले आसमान में उड़ सकती है, खुले आसमान में उड़ सकती है, और जहां तक उसकी क्षमता है वहां तक उड़ सकती है, और उड़ने के बाद थककर वह अपनी जगह पर वापस आ जाती है। परंतु कविता के उड़ान की कोई क्षमता नहीं होती है, वो जो उड़ती है तो वह कहां जाके रुकती है और कहां से कहां चली जाती है, इसका लेखक वर्णन करने में असमर्थ है। कविता हर किसी के साथ है, कविता तुम्हारे साथ है, कविता मेरे साथ है, कविता इसके साथ है, कविता उसके साथ है, कविता इंडिया में है, कविता पाकिस्तान में है, कविता चाइना में है, इज दैट क्लियर? हर जगह, हर जगह क्या है, कविता उसकी उड़ान क्षेत्र का वर्णन नहीं किया जा सकता। चिड़िया खुले आसमान में उड़ान करती है, परंतु कविता खुले आसमान में तो उड़ान करती है पर उसके वापस आने का कोई भरोसा नहीं है। मतलब कब वापस आए, कैसे वापस आए, कह नहीं सकते। कविता मतलब एक ऐसी चीज है जो चिड़िया उसके आगे कहीं नहीं लगती, चिड़िया उसके आगे कहीं, चिड़िया तो एक देश के खुले आसमान में उड़ती है, कविता तो सात समुंदर पार भी जाती है, सात समुंदर पार भी जाती है, परंतु उसकी सीमाओं का पता अपन नहीं लगा सकते। चिड़िया एक निश्चित सीमा तक जाएगी, उड़ेगी और वापस थककर आ जाएगी, जबकि कविता
कविता की सीमा का पता नहीं लगाया जाता, परंतु कविता की उड़ान की सीमा का क्षेत्र विस्तृत होता है, वह विस्तृत क्षेत्र पर उड़ती है, उसकी उड़ान की कोई कल्पना नहीं कर सकता। कवि अपनी कविता में कल्पना के पंख लगाकर कहां तक उड़ सकता है, इसका वर्णन प्रस्तुत करना कठिन है। अगर कविता देखो, एक कविता की उड़ान, एक कविताकार जब है, जब वो कविता लिखता है और वो उसकी उड़ान कहां तक जाएगी उसको खुद को नहीं पता है। एक चिड़िया तो आसमान में थोड़ी सी दूर उड़ के थक जाएगी और उतर जाएगी, परंतु ये जो ये कविताकार हैं, वो एक बार जब कविता का पंख अपने में लगाएगा और वो कहां तक उड़ेगा, वो क्षेत्र असीमित होती है। मतलब वो क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है, असीमित है, वो कहां जाके रुकेगा ये कहां नहीं जा सकता है, वर्णन प्रस्तुत करना कठिन है। चिड़िया भी कवि की उड़ान का बखान नहीं कर सकती। एक चिड़िया क्या, देखो एक कविताकार चिड़िया की उड़ान का बखान कर लेगा, पर एक चिड़िया कविताकार की उड़ान का बखान करने में समर्थ है, वो नहीं कर पाएगी उसका बखान। ठीक है, तो कवि कह रहा है, कवि वही कह रहा है कि मैं कविता के पंख अगर लगा लूं तो मेरी उड़ान का शायद पता चलेगा ही नहीं कि वो कहाँ उड़ के चला जाए उसका कोई, और ना वो थकेगा भी नहीं, और वो कितनी दूर उड़ के जा रहा है ये तुम पता भी नहीं कर सकते हो, ना हम पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है, केवल चिड़िया के बारे में बताया है, और किसके बारे में बताया है, कविता के बारे में। मतलब यहाँ पे तुमको क्या चीज समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है हमको, एक बात ये समझ में आ रही है कि चिड़िया खुले आसमान में उड़ती है और थककर फिर वापस आ जाती है, अर्थात उसके उड़ने का क्षेत्र सीमित होता है, निश्चित होता है, परंतु कविता के पंख, अर्थात कविताकार को जब कविता के पंख मिल जाते हैं तो उसकी उड़ान अनिश्चित हो जाती है और उसके उड़ने का क्षेत्र विस्तृत होते चला जाता है। ये समझ में आ गई ना यहाँ पर क्या बातें हो रही, इज दैट क्लियर? ठीक है, आप दूसरा समझते हैं, कविता एक डैश फूल क्या जाने। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यहाँ प्रसंग क्या निकल रहा है, तुम लोग क्या बताओगे, जो समझ में आया होगा वही तुम प्रसंग बता सकते हो, बताइए क्या बता सकते हैं आप प्रसंग में, के बारे में सभी चित्रण किया गया है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो कवि, अब इसका अर्थ समझना इधर, हाँ कवि क्या कह रहा है, अब अगले पंक्तियों में कवि क्या कहना चाह रहा है गौर से सुनिएगा। ठीक है, कवि कविता की अपार शक्ति का वर्णन प्रस्तुत करते हुए कहता है कि कविता में अपार शक्ति होती है, अपार क्षमता होती है, वो कितने ही उड़ ले वह थकती ही नहीं है। कविता में फूलों के खिलने का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, कविता में फूलों का खिलने का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, परंतु कविता के खिलने का वर्णन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कविता में फूलों के खिलने का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, पर फूल कविता के खिलने का वर्णन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र विस्तृत है। कविता जिंदगी में, सुनो रे, कविता जिंदगी में कभी नहीं मुरझाती, कभी नहीं मुरझाती। फूल कुछ समय के लिए फूलेंगे, बड़े होंगे और अपनी सुगंध चारों तरफ देंगे, उसके बाद हम मुरझा जाएंगे और उनकी सुगंध खत्म हो जाएगी। परंतु कविता की एक ऐसी सुगंध होती है जो ना तो कभी मुरझाएगी और ना कभी अपना सुगंध देना छोड़ेगी, वो अपनी सुगंध देते रहेगी और वो कभी नहीं मुरझाएगी, वो फ्रेश की फ्रेश रहेगी। इज दैट क्लियर? कविता कभी नहीं मुरझाएगी और कविता घर घर जाएगी, घर घर अपनी सुगंध छोड़ेगी, और जो पुष्प है वो घर घर सुगंध छोड़ने के बाद कुछ समय बाद वो मर जाएगा, कुछ समय बाद वो मुरझा जाएगा, वो क्षणभंगुर है। वो क्या है? क्षणभंगुर है, जो तुरंत ही नष्ट हो जाएगा, परंतु जो कविता है वो क्षणभंगुर नहीं है, ये घर घर जाएगी, अपना बीज फोड़ेगी, अपने बीज प्रफुटित करेगी, लोगों को ज्ञान देगी और ताजा रहेगी, और उसकी महक घर घर जाकर फैला देगी। कौन? कविता। तो आगे लेखककार क्या कहता है, कविताकार कविता के खिलने का अर्थ फूल नहीं लगा सकता है, फूल शीघ्र खिलता है चहुओं अपनी सुगंध छोड़ता है और बिखेरता है और मुरझा जाता है, परंतु कविता कभी मुरझाती नहीं, वो सदैव इधर उधर यहाँ वहाँ वहाँ एक घर से दूसरे घर, इस घर में सुगंध छोड़ेगी, उस घर में सुगंध छोड़ेगी, और सुगंध छोड़ते ही चली जाएगी। कविता अविनाशी होती है, वो कभी मरती नहीं है, एक बार जब उसका सृजन हो जाता है तो उसकी मृत्यु होती
नहीं है, युगो युगों तक वो प्रभावित नहीं होती और वो कविता जैसे की वैसी रहती है। आपने कोई कविता पढ़े भी होंगे, वो कभी प्रभावित नहीं होती, कोई कविता प्रभावित नहीं होगी। आज हम ये कविता पढ़ रहे हैं, लेखक ने लिखा है ये कविता युगो युगों तक वही रहेगी। तुम लोग मर जाओगे, मेरे को छोड़ के तुम लोग मर जाओगे, घर जाओगे, मुरझा जाओगे, यहाँ से चले जाओगे, परंतु वो कविता वही रहेगी। आने वाले युगों में कुंवर नारायण की कविता वही लोग पढ़ेंगे, वही लाइन उसमें रहेगी, वही पंक्ति उसमें रहेगी। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या कभी कविता मरती है? नहीं, वो एक बार पैदा होने के बाद, वो एक बार उसको लिखने के बाद, एक बार उसका सृजन होने के बाद कविता युगो युगो तक प्रभावित नहीं होती है, अर्थात वो मरने का नाम ही नहीं लेती, अमर हो जाती है ना। कविताएं कैसी हो जाती हैं? जैसे मधुशाला लिखा उनने, किसने? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। अब मधुशाला लिख दिए उन्होंने तो वो तो अमर हो गई ना, अमर हो गई, और युगो युगो तक उसका बखान होगा। अरे दो युग हो गए, अभी बखान ही चल रहा है उनका, है 1800 पिक्चर चालू हुई थी, आज 2000 लग गया, 21वीं सदी चल रही। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज दैट क्लियर? तो कहने का मतलब है वो एक बार सृजन होने के बाद वो खत्म होती नहीं, कौन कविता, पर फूल एक बार खिलेगा, खिलने के बाद वो और टूट जाएगा, पर कविता कभी नहीं मुरझाएगी, कभी मरेगी ही नहीं, और युग युगों तक प्रभावित भी नहीं होगी। अर्थात कविता का क्षेत्र असीमित होता है, उसकी जो यात्रा है वो असीमित है, उसकी यात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता है। अरे एक नन्हा फूल, एक नन्हा सा कोमल सा फूल, उसका बखान क्या करेगा कविता का? क्या एक नन्हा सा फूल कविता का बखान कर सकता है? कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका क्षेत्र असीमित है, उसका क्षेत्र असीमित है, वो अजर अमर है। कौन? कभी कहा, एक बार अगर उसका सृजन हुआ, एक बार वो पैदा हो गई, एक बार उसका सृजन हुआ, एक बार राइटर ने उसको लिख दिया, तो जब तक पृथ्वी रहेगी जब तक वो कविता रहेगी। और फूल तो 2-4-10 दिन में क्या होगा, मुरझा जाएगा, अपनी खुशबू भी छोड़, ठीक है। तो एक नन्हा सा कोमल सा पुष्प भला इस कविता का बखान अपने मुंह से कैसे कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या चीज बताया है, बताइए यहाँ पर, ठीक है। अगर अपन प्रसंग निकाले तो क्या निकलेगा यहाँ, बताइए आप लोग, ठीक है। फूल और कविता के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ना। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई फूल का खिलना, फूल का खिलना का वर्णन कविता में हो सकता है, पर कविता का खिलना फूल इसका बखान नहीं कर सकता है। इज दैट क्लियर? अर्थात यहां पर फूल और कविता को समानता भी बतलाई गई है, में समानता भी और असमानता भी बताई गई है। देखिए समानता, कविता और फूल जो है दोनों सुगंध छोड़ते हैं, सुगंध, फूल भी सुगंध देता है और कविता भी सुगंध, ये यहां पर एक समानता है। पर असमानता कैसे हो गई? फूल निश्चित समय के बाद सुगंध देना बंद कर देगा और मुरझा, जबकि कविता घर घर जाकर सुगंध देते रहेगी और मुरझाएगी नहीं। इज दैट क्लियर? मतलब फूल क्षणभंगुर है, पुष्प क्षणभंगुर है, परंतु कविता क्षणभंगुर भाई, कई बार आ जाता है असमानता, ठीक है। अब अगला चलते हैं, कविता का खेल देख देख बच्चा ही जाने। अब इसके बारे में समझ लीजिए, यहाँ पर रचयिताकार क्या कह रहा है, ये रचनाकार क्या कह रहा है, अच्छे समझिएगा। रचनाकार आगे लिखते हुए ये कहते हैं, कविता को अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, और कोई बहाना नहीं ढूंढती कविता, कविता कोई बहाना नहीं ढूंढती। अगर कभी एक लेखककार को, एक रचनाकार को अपने भाव प्रकट करना हो तो वो कविता लिख देता है और अपने भावों को प्रकट कर देता है। तो कविता को अपने भाव प्रकट करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं, या किसी बहाने की आवश्यकता
नहीं होती। जिस प्रकार बच्चे को खेल खेल में अपना पराया, जब एक बच्चा खेलता है, गौर से सुनो, जब एक बच्चा खेलता है तो वो अपना पराया ये सब भेद को, ये सब अंतर को मिटा देता है और उसका मन खेल खेलने में लग जाता है, वो सारे भेदभाव को मिटा देता है। ठीक उसी प्रकार कविता भी होती है जो सारे भेदभाव को मिटा देती है। वह कविता अमीरों के पास भी जाती है, वह कविता गरीबों के पास भी जाती है। एक गरीब व्यक्ति भी पुस्तक में कविता पढ़ता है, एक अमीर आदमी भी पुस्तक में कविता पढ़ता है। अतः कविता में एक ऐसी क्षमता होती है जो अपने पराये के भेद को मिटा। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पराये के भेद को मिटाकर भूलकर खेल में मस्त हो जाता है, खेल में मग्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी ऊंच नीच गरीब अमीर इत्यादि भेद को दूर कर देती है, दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार कविता भी अपने भाव को प्रकट करती है ये सब अंतर किए बिना, ये किसी भी प्रकार के अंतर को नहीं करती और अपने भाव को डायरेक्ट क्या कर देती है, प्रकट कर देती है। जब एक अमीर आदमी कविता पढ़ेगा तो भाव वही प्रकट होगा, एक अमीर व्यक्ति कविता पढ़ेगा तो वही भाव प्रकट होगा, एक गरीब आदमी कविता पढ़ेगा तो वही भाव प्रकट होगा, एक भिखारी भी कविता पढ़ेगा तो वही भाव, ठीक है, समझ रहे हैं आप, कोई भी कविता आप ले लीजिए भाव वही प्रकट होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरा सुपर स्टार। अब अमीर भी बोलेगा तो वही है, गरीब भी बोलेगा तो वही है, समझ रहे हैं। सिंहासन हिल उठे सन संतावन में, जब भृकुटी तानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। अब मैं बोलूंगा तो भी अर्थ वही रहेगा, तुम बोलोगे तो भी अर्थ वही रहेगा, कोई गरीब और भिखारी आदमी बोलेगा तो भी अर्थ वही रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। अर्थात बच्चे भेदभाव नहीं जानते, सभी के साथ समानता का व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी कोई भेदभाव नहीं जानती, वो सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, गरीबों के साथ भी, अमीरों के साथ भी, और चार पांच भिखारी जो अपनी कोचिंग में आते हैं उन भिखारियों के साथ भी। फर्क इतना है कि वो 12वीं की भिखारी नहीं है, 10वीं भिखारी है वो। अर्थात बच्चे भेदभाव नहीं करते, सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी सबके साथ है, क्या करती है, चिंता ता चिता चिता चिंता तता ऐसा करती है, अबे समानता का व्यवहार करती है मुन्ना, ठीक है। गरीब आदमी को जो अर्थ देगी वो भी अमीर आदमी को अर्थ देगी, ठीक है, ओके, समझ रहे है कार्या। कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, कितनी अच्छी है भाई, सबका कल्याण अपना कल्याण, कोई मेरे लिए तू भी उतना ही मायने रखता है और मेरे लिए ये भी उतना ही मायने रखता है, ठीक है। कविता किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, वो बात अलग है कि अपन कविता के साथ भेदभाव कर ले, ठीक है, पर कविता अपने साथ भेदभाव नहीं कर सकती। क्लियर हुआ कि जल्दी बताओ, तो यहाँ पे क्या समझ में आया जल्दी बताओ, कविता भेदभाव नहीं करती। हाँ, कविता भेदभाव नहीं करती, कविता सबके साथ समानता का व्यवहार करती। और इसमें मालूम बच्चे और कविता की समानता को बताया, इज दैट क्लियर। अब बात सीधी थी पर, ठीक है, अब यहाँ पर कवि क्या बताते, पूरा सारांश बता दे रहा हूँ मैं इसका, हाँ पूरा सारांश बता दे रहा हूँ आपको भी एक ही बार में। तो कवि वही हमारे कौन है, कुंवर नारायण। तो लिखेंगे अपन, कुंवर नारायण रचयिता जी ने बात सीधी थी पर नामक कविता लिखी है। इस कविता के अंतर्गत उन्होंने एक छोटा सा संदेश लोगों को या समाज में रह रहे लोगों को दिया है। तो वो क्या कह रहे हैं, सीधी बात नो बकवास, उल्टी बात घुमा फिरा कर बात मत करो, ठीक, जो सीधी बात है वो सीधी बात कर दो, बात होती है खत्म, और बात करने के लिए भाषा का प्रयोग करो, और भाषा के लिए अच्छी बात का प्रयोग करो, अर्थात बात और भाषा दोनों का घनिष्ठ संबंध है। अगर भाषा आत्मा है तो बात शरीर है, अगर बात टू व्हीलर है तो उसका पेट्रोल भाषा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, एक जूता है तो एक मोजा है,
एक चड्डा है तो दूसरा नाड़ा है, ठीक है, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है, चड्डा गिर जाएगा, ओके, ये चड्डा इधर देख, ठीक है, चड्डा और मेनन, दो ही मित्र, यशोधर के मित्र, चड्डा और मेनन, ठीक है, मेनन काम कर रहे थे, हाँ, बस, अब इधर देखो, तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा, देखो बहुत अच्छी बात कहा है, बहुत बहुत अच्छी बात कहा है लेखक ने, कविता कार्य है कहते हैं कवि के अनुसार सीधी बात कहने का अर्थ होता है सरल शब्दों का इस्तेमाल करो, जब किसी व्यक्ति को सीधी बात कही जाती है, साफ सुथरी बात कही जाती है, तो उसके लिए हमें सरल शब्द का प्रयोग करना चाहिए, यदि हमारे शब्दों में कठिनता होगी तो उसके अर्थ को वह समझ नहीं पाएगा, इसीलिए व्यक्तियों को सीधी बात करने के लिए या सीधी बात कहने के लिए हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, घुमा फिराकर बात नहीं करना चाहिए, यदि हम किसी व्यक्ति से घुमा फिराकर बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति हम जो कह रहे हैं उसके अर्थ से वो भटक जाएगा, घुमा फिराकर बात नहीं करनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उस मूल अर्थ को, उस बात के मूल अर्थ को वह व्यक्ति पता नहीं कर पाता है। भाषा अगर कठिन है, तो संदेश समझने में कठिनाई होती है, और यदि भाषा सरल है तो बड़ी आसानी से लोग उस संदेश को समझ जाते हैं कि उस भाषा से उन्हें क्या संदेश प्राप्त हो रहा है। भाषा में हर बात कहने के कुछ निश्चित शब्द होते हैं, अर्थात जब किसी से अपन कोई बात करें तो उस बात करने के कुछ निश्चित क्या होते हैं, शब्द होते हैं, और उन्हीं निश्चित शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए, यदि हम उन निश्चित शब्दों का प्रयोग ना करके कुछ अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं तो लोग अर्थ से समझ नहीं पाते हैं और भटक जाते हैं, यदि बुद्धिमानी और धैर्य के साथ शब्दों का चयन ना किया जाए तो बात बिगड़ जाती है, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो धैर्यवान लोग होते हैं, उन्हें अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छे शब्द बोलने, अच्छे शब्द का प्रयोग करके उनको मैसेज समझाना चाहिए, और अगर वह अच्छे शब्दों का चयन नहीं कर पाते हैं तो बात बिगड़ जाती है, लड़ाई दंगे फसाद तक वो बात चली जाती है और वो बुद्धिमानी और धैर्यवान पुरुष नहीं कहलाते हैं। तो बुद्धिमानी और धैर्यवान पुरुष वही होते हैं जो बोलने से पहले शब्दों का चयन करते हैं, और जो निश्चित शब्द होते हैं उन निश्चित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ही अपने वाक्यों को पूरा करते हैं और लोगों को अर्थ से वाकिफ करते हैं, ठीक है, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तुम उल्टी बात करके देखो, जितने बार बोली हूँ मैंने ही बोली हूँ, तुमने एक बार भी नहीं बोले हो, बात बिगड़ जाएगी, बात क्या होगी, बिगड़ जाएगी, ठीक है, तो समझा करो। अतः भाषा का प्रयोग करते समय हमें शब्दों के चयन की कुशलता पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हें इतना टैलेंट होना चाहिए, इतना स्किल होना चाहिए कि अरे बेबले अपन बात कौन सी बोल रहे हैं और शब्द कौन सा प्रयोग करना चाहिए, इसको लगा डाला तो लाइट, ये देखो ये शब्दों का चयन, इसको लगा डाला तो लाइट झिंगलाला, तो ये जो झिंगलाला है ये शब्दों का चयन, और अगर शब्दों का चयन नहीं लगा तो इसको लगा डाला तो लाइक जेठालाला, तो जेठालाल शब्दों का चयन नहीं, तो इसको लगा डाला तो लाइक जिंगलाला, यह शब्दों का चयन, इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं आप लोग। अतः भाषा का प्रयोग करते समय हमें शब्दों के चयन की कुशलता पर ध्यान देना चाहिए कि हम कहां कौन से शब्द बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अपन पिताजी को बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, पापा जी, डैडी बोलते हैं, ऐसे तो नहीं बोलते हैं, ए रमेश के लौंडे, अरे रमेश आ गया तू, आज ड्यूटी नहीं है क्या रमेश, रमेश तू नहीं सुधरा क्या रे, तो नहीं ऐसा नहीं बोलते, पापा जी मम्मी जी, अगर कोई अंकल आते थे हम बोलते आइए ना अंकल जी बैठिए बैठिए, ऐसे तो क्यों रमेश के दोस्त कहाँ घूम रहे हैं, रमेश के फंड दोस्त बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, शब्दों का चयन की कुशलता होनी चाहिए, कुशलता का मतलब स्किल होना चाहिए, कहाँ कौन सा शब्द यूज करना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं,
तो ये कुशलता होनी चाहिए, नहीं तो बात क्या होगी, बिगड़ जाएगी। ठीक है, बात और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू, सही बात, दोनों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। देखिए भाषा और बात, बात और भाषा, बात का मतलब क्या है, बात का मतलब है कोई मैसेज आप दे रहे हैं, कोई संदेश दे रहे हैं, कोई कुछ कथन कह रहे हैं आप, और उस कथन को कहने के लिए जिस युक्ति का, युक्ति नहीं युक्ति डिवाइस, युक्ति का आप प्रयोग कर रहे हैं उसको भाषा कहते हैं। समझ रहे हैं आप, इस तरह क्लियर। तो बात और भाषा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। कवि को कोई बात कहने कहने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अगर मैं आपसे कोई बात कहूं तो मुझे भाषा चाहिए। अगर मैंने आपको बोल दिया गिली गिली पॉप पॉप, अब आप क्या संदेश, क्या संदेश दिया मैंने आपको, बताइए, गिली गिली पॉप पॉप, बताओ इसका क्या अर्थ है। तो ये बात थी और इसका अर्थ आप नहीं समझे, क्यों, क्योंकि आप उस भाषा को नहीं जानते। तो भाषा, अब मैं जो अब की गिली गिली पॉप पॉप, ठीक है, तो आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, उस बात को आप समझ नहीं पा रहे, और आप समझ गए, आप समझ गए तो मतलब वो भाषा है, ठीक, वो क्या है, आई हेट यू, ये इंग्लिश बात, आप समझ गए, हम मैं तुमसे नफरत करता हूं, इज दैट क्लियर, समझ रहे हैं कि नहीं, तमसो मा ज्योतिर गमे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब ये भाषा है, आप समझ गए, ठीक है, पर गिली गिली पॉक पॉक ये क्या है सर, सब तो बोड़ देंगे, गिली गिली पॉक पॉक। तो कभी को कोई बात कहने के लिए भाषा की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बिना भाषा के वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता है। वो सब छोड़ो, तुम अपने भाव को प्रकट करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हो और तुमको कोई भाषा आ ही नहीं रही है, तो तुम अपने भाव को कैसे प्रकट करोगे ये बताओ, लिख के, इशारे से, टाइप करके, क्या बोलोगे इशारे से, क्या बोलोगे आप, ठीक है, क्या बोलेंगे, बताइए इसका क्या मतलब, ये देखिए हो गया अर्थ का ना, क्या मतलब है इसका, वॉशरूम जाने, गलत, ये हो गया अर्थ का ना, इसका मतलब है एक दो तीन चार पांच, समझ रहे हैं कि नहीं आप, इज दैट क्लियर, ओके। तो भाई आपका भाषा होना बहुत ही क्या है, जरूरी है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने भाव को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए, भाषा, तो और भाषा के लिए शब्द अच्छे चुनो, शब्द क्या चुनो, अच्छे चुनो, ठीक है, बिना भाषा के वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता, कौन, लेखक, ठीक है, रचयिता, रचनाकार, बिना भाषा के बात अधूरी हो जाती है, ठीक है, बिना भाषा के बात क्या होती है, अधूरी, कछु समझ में आ ही नहीं रहा वो क्या बोल रहे, तुम चुप ही बैठे, चुप ही बैठे, कछु पिक्चर ही समझ में नहीं आ रही, ये अंग्रेजों के चक्कर में तो 400 साल हम चुप रहे, वो क्या बोल के चल जाते थे, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता, टीचर बन रहा है, क्या बोल रहे, कोई बात कर रहा है कि आज आज भंडारे की व्यवस्था है, उसमें पनीर की सब्जी बनेगी, अच्छा अच्छा हम भी जाएंगे, तो ऐसा नहीं, अर्थात बिना भाषा के बात कैसी रहती है, अधूरी रहती है, अर्थात भाषा बात का गहरा संबंध होता है, भाषा है तो आप बात कह सकते हैं और बात है तो आप उस भाषा से समझ सकते हैं, अर्थात दोनों का गहरा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, इज दैट क्लियर। अब मुझे बताइए क्या डाउट है इसमें, या आप लोगों से बन जाएगा, अब अच्छे समझ लो, और कोई क्वेश्चन पूछ लो मुझे, अगर नहीं आया होगा वहां पे समझ